जमशेदपुर के आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया में तेंदुओं को पकड़ने का कोशिश लगातार यहां देखा जा रहा है और लगातार कोशिश भी जारी है। वन विभाग की ओर से लगातार कोशिश किया जा रहा है इंडस्ट्रियल एरिया में तेंदुओं के मूवमेंट को लेकर। सेंसर कैमरा तो लगाए गए हैं, वहीं ड्रैगन लाइट का भी इंतजाम किया गया है। तेंदुओं की रात में पेड़ पर बैठने की आदत को लेकर यहाँ ड्रैगन लाइट लगाया गया है। इसकी जानकारी दी हमारे संवाददाता प्रभात ने। कर्मी है वो लगातार कैमरा के अलावा जो बड़ा सा ड्रैगन लाइट है उसे जलाकर जो आसपास के जो पेड़ है, चूंकि तेंदुए का टेंडेंसी होता है कि ऊंचे जगहों पर जाकर वो बैठता है तो पेड़ों में भी बैठता है, तो उसको ड्रैगन लाइट से सर्च किया जा रहा है ताकि उसका मूवमेंट मालूम चल सके। चूँकि बड़े बड़े पेड़ों में बड़े बड़े ऊँचे ऊँचे स्थानों पर ये माना जाता है कि तेंदुए वहाँ चढ़ कर बैठता है, तो लगातार जो वन पदाधिकारी हैं, चाहे वो DFO हो, रेंजर हो, चाहे वन कर्मी हो, लगातार जो सुनसान पड़े जो फैक्ट्री के इलाके हैं वहाँ घूमकर प्रयास कर रहे हैं कि तेंदुए का जो कहीं ना कहीं से कुछ ट्रेस आउट मिल जाए, उसमें पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। चूंकि 3 दिन हो गया और जैसे बता रहे हैं वन विभाग के अधिकारी, 3 दिन हो गया, कहीं ना कहीं वो भूखा होगा तो हो सकता है किसी को ऊपर ट्रैप करे, या फिर जानवर हो, या फिर किसी डॉग्स हो, या फिर अन्य किसी जानवरों को वो ट्रैप करने की कोशिश करे। चूँकि वो जख्मी भी है और जिस तरीके से लगातार सुबह से लेकर रात तक जो वन कर्मी हैं वो पता लगा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं पता लगाने का कि आखिर वो तेंदुआ है कहाँ। जो यहाँ खबर मिला है ये तेंदुआ के विषय में, उन्हीं का मैंने खोज ये कर रहे हैं हम लोग, थोड़ा देख लाइट से। हाँ, लाइट से उनका टेंडेंसी है, पेड़ों में भी चढ़ के रह सकते हैं, ऊँचे स्थान में रह सकते हैं, इसीलिए देख रहे हैं सर्च करके। बिल्कुल, देखिए जो वनकर्मी हैं जैसे बता रहे हैं कि उसका टेंडेंसी होता है जो ऊंचे स्थान में वो ज़्यादा बैठता है, या फिर वो पेड़ों पे चढ़ता है, या फिर फैक्ट्री पे चढ़ता है। तो देखिए रेंजर साहब लगातार नज़र बनाए हुए DFO साहब। हाँ, देख रहे हैं हम लोग, क्या नाम है, कहीं छुप के तो नहीं बैठा है, उसी का हम लोग खोज रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, जैसे ही मिलेगा हम लोग रेस्क्यू करेंगे। नहीं, भोजन तो नहीं मिल रहा है और उसका बहुत ज़्यादा 3 दिन तक ही भूखा रह सकता है, तो निकलने का तो प्रयास अगर इधर होगा तो निश्चित करेगा, इसीलिए हम लोग इधर लगे हुए हैं इस क्षेत्र में कि जैसा ही पता चले उसको हम ट्रैप कर सकें, उसको रेस्क्यू करके सुरक्षित स्थान पर पहुंचा सकें। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से रेंजर साहब ने बताया कि 3 दिनों से ज़्यादा वो भूखा रह नहीं सकता है, निश्चित है कि आज या कल तक में वो जरूर सामने आएगा, तो लगातार जो वन विभाग है वो प्रयास कर रहा है जो तेंदुआ है उसको पता लगाने का। सहयोगियों के साथ प्रभात, न्यूज़ में। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।